अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो, और ये हास्या काबी सम्मेलन की वीडियो होने वाली है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी कॉमेडी फनी वीडियो भी होगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और नॉन स्टॉप कॉमेडी 2022 की वीडियो है। सो मज़ा आने वाला है, और हंसे काफ़ी के काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसपे हमने रेट किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। सो इस सम्मेलन को भी देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं ओरिजिनल वीडियो को। बाकी रिएक्शन तो आप हमारे साथ ही देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दीजिए, मैं बहुत प्यार से आमंत्रित करता हूं वीर प्रस्तुत। आदरणीय मंच, मंच पर जो कवि विराज है उनको सादा नमन, और यहां पर जो भगवान समान श्रोतागण विराज है उनको भी सादा नमन। शाबाश। 2022 के पापा क्या करते हैं उनके लिए दो लाइनें। हाँ। आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। जहो। आजकल के पापा भी गजब ढा रहे, मम्मी के मायके जाने पे खुशियां मना रहे। मम्मी के मायके जाने पे खुशियां मना रहे, मम्मी को डायन पड़ोसन को डाल लेंगे। बोले बेरू बाबा। मम्मी को डायन पड़ोसन को डालने बुला रहे, और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। बाथरूम में बैठ के मोबाइल चला रहे, और बच्चों की फीस बनने को पैसा नहीं, दोस्तों को बियर पिला रहे। मम्मी को हान नहीं, अरे मम्मी को हान नहीं, ऑफिस वाली को कार दिला रहे, और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। करोड़ों कमाता हूँ महीने में, करोड़ों करोड़ों कमाता हूँ महीने में, ऐसा फेसबुक पे दूसरी औरतों को बता रहे, और मम्मी का खर्च चलता नहीं, अरे मम्मी का खर्च चलता नहीं, पापा पड़ोसन पटा रहे, और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। पड़ोस में मार खा रहे। बहुत बढ़िया, वाह। ये आपकी कहानी बता रहे के? ये चचा इस बच्चा को इसलिए माला पहना रहे कि ये भी अपनी जिंदगी वैसे ही बिता रहे। पड़ोस में मार खा रहे, और इनका प्यार करने का नतीजा, और दादा बनने की उम्र में सोच रहे कोई बना ले अपना जीजा। सामने वाली आंटी तो माँ जैसी है, और बगल वाली आंटी तो माँ जैसी है, ऐसा हमको सिखा रहे, और अपनी जुगाड़ लगा रहे, और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। ठोको दद्दा तारी। ये तो हो गई पापा के सम्मान में। हाँ हाँ। यहाँ पे मम्मी बैठी है, अब मम्मी खड़ी है उनके सम्मान में भी। हाँ हाँ। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। ढा रही। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। उम्र हो गई 47 की, 27 बता रही। उम्र हो गई 47 की, 27 बता रही। बाल सफेद हो गए सो मेहंदी लगा रही। बाल सफेद हो गए सो मेहंदी लगा रहे, रोज रोज तो भी ब्यूटी पार्लर जा रहे, और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रहे। सेल्फी डाल डाल के सोशल मीडिया पे खूब छा रहे, घर में
बैठ के आटा से जाना तो भी डाटा खा रहे। घर में बैठ के आटा से जाना तो भी डाटा खा रहे। ओ आजकल की मम्मी भी गजब ढा रहे। पापा की सैलरी भी मेकअप में उड़ा रहे। जय हो। पापा की सैलरी मेकअप में उड़ा रहे। सर दर्द के बहाने पापा से पाँव दबा रहे। सर दर्द के बहाने पापा से पाँव दबा रहे। ओ आजकल की मम्मी भी गजब ढा रहे। ठोको दद्दा तारी। ये तो हो गई मम्मी के सम्मान में। जो लड़कियां देश विदेशों महानगरों में पढ़ के आती हैं, जब उनकी शादी गांव कस्बे में हो जाती है तो उनके अनपढ़ देवर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारी तरह? बुंदेलखंड में भाभी को भोजी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? ठीक है, पढ़ो। पूना बेंगलोर पढ़ आई भोजी। पूना बेंगलोर पढ़े आई भोजी। नींबू का खोबी आम बता रहे। ओ हाईटेक हो गई ना भोजी। सुबह सुबह खुश शाम बता रहे। छोड़ पुरानी धोती साड़ी। छोड़ पुरानी धोती साड़ी। फटे चिथे जींसन में आ रहे। जी भोजी को मो नहीं देखो। जी भोजी को मो नहीं देखो। अब सब भी खुले आम दिखा रहे। ओ हाई टेक हो गई भोजी। सुबह सुबह खो शाम बता रहे। हो जी को ऑफलाइन नहीं देखो। जी को ऑफलाइन नहीं देखो। मोबाइल पे ऑनलाइन दिखा रहे। और जीठ ससुर की इज्जत छोड़ो। जीठ ससुर की इज्जत छोड़ो। इन खुआसा राम बता रहे। ओ हाई टेक हो गई भोजी। सुबह सुबह खू शाम बता रहे। हो रोज सवेरे जिम भी जा रहे। रोज सवेरे जिम भी जा रहे। कर रहे डाइटिंग कम भी खा रहे। है नैया भी मूंगफली सी। जय हो। है नैया भी मूंगफली सी। खुद को भी बादाम बता रहे। ओ हाई टेक हो गई भोजी। सुबह सुबह को शाम बता रहे। बहुत अच्छे बालक। एक और है। तुलसी जैसी होती भोजी। तुलसी जैसी होती भोजी। अब तो ऐसी कहाँ दिखा रहे। रोज रात में डिनर के संग। रोज रात में डिनर के संग हलको हलको जाम लगा रहे। ओ हाई टेक हो गई अब भोजी। सुबह सुबह को शाम बता रहे। पूना बेंगलोर पड़े आई भोजी। निवगा खोबे आम बता रहे। बहुत अच्छे। ये तो भाभियों के सम्मान में है। ये कोरोना काल के घर का दृश्य है जिसमें मम्मी है, पापा है और घर का बड़ा भाई है। और थोड़ी राजनीति है, आप इसको ध्यान से सुने। पापा कांग्रेसी, मम्मी भाजपाई। पापा कांग्रेसी, मम्मी भाजपाई। चाय जब भून लगाते निकी लड़ाई। करोना काल में तो ऐसी ठनी। करोना काल में तो ऐसी ठनी के पूरे लॉकडाउन रोटी तक नहीं मनी। पापा बोले ना हमें बर्तन मांजने ना झाड़ू लगाऊने। पापा बोले ना हमें बर्तन मांजने ना झाड़ू लगाऊने। मम्मी बोली तो मैं सुख से रोटी तक नहीं खा पाऊने। ना 2022 के चुनाव में कौन दिखाऊने। पापा बोले काय खुल गई कोरोना काल में ऊपर वालों सब देख रहो। मम्मी बोली हमारे कमल से नहीं तुम्हारे हाथन से कोरोना फैल रहो। बहुत अच्छे। मम्मी बोली हमारे कमल से नहीं तुम्हारे हाथन से कोरोना फैल रहो। पापा बोले इन्हें हाथन ने देश को 70 साल तक चला दो। पापा
भूली इन्हें हाथ ने देश को 70 साल तक चला दो और तुमने तो 27 साल में आत्मनिर्भर बना दो। तुमने तो 27 साल में आत्मनिर्भर बना दो। मम्मी बोली जिनगा कांग्रेस के गीत, जिनगा कांग्रेस के गीत, कांग्रेस नहीं भाई कांग्रेस के मीत। जावाद पापा को खल गई, ऊपर से नीचे तक निकल गई। पापा बोले भगवान को एक ना एक दिन कोरोना की वैक्सीन बनाऊंगे। पापा बोले भगवान को एक ना एक दिन कोरोना की वैक्सीन बनाऊंगे। इन मम्मी और भाजपा की वैक्सीन कब आऊंगे आऊंगे। और घर को बड़ो भैया सफाई, घर को बड़ो भैया सफाई। उनने भी कसम खाई कि हमें बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा उन्हें। सो मम्मी बोली कोरोना से तो बच जो भैया। सो मम्मी बोली कोरोना से तो बच जो भैया, बीजेपी से नहीं बच पाऊने। और हमें वेद पस्तोर खोई की आगे कछु नहीं सुना। जय हो, जिंदाबाद। अच्छा लगा तो। सो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा फनी वीडियो था और हर घर की कहानी है यही, पापा की भी और मम्मी की भी और वो जो ब्रदर इन लॉ जो होते हैं उनकी भी ऑलमोस्ट सेम ही कहानी है। और आपको पता है कि इस बच्चे ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, यार बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है इस बच्चे का। चेक करो कि वो किस तरह से नॉन स्टॉप बोल रहा था और उसने ऐसे ऐसे लाइंस बोली हैं कि मज़ा आ गया और रियलिटी बेस्ड बोली हैं। तो आगे जाके मैं इस बच्चे के लिए ये कहूँगी कि ये आगे जाके बहुत ही जो है ना वेल नॉन पर्सनैलिटी बनने वाला है, जिस तरह से इसका कॉन्फिडेंस इसके रिफ्लेक्शंस को, इसके टैलेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो में बेसिकली हम देख रहे हैं कि बाबा की बात की जाए तो वैसे तो ज़्यादातर बाबा ऐसे ही होते हैं, मतलब कि अपनी जो हस्बैंड की अगर हम बात करें, बाबा की नहीं करते हस्बैंड की कर लेते हैं। तो हस्बैंड एक्चुअली आजकल ना वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी और मैन विल बी मैन, मतलब कि ये एड भी आते रहते हैं इस तरह के, तो आप समझ जाएं कि भाई वो एड्स ऐसे नहीं बनाए गए, वो रियलिटी बेस ही चीज़ों के ऊपर बनाए गए हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जो मेन होते मेल होते हैं वो हमेशा हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी वाइफ के ऊपर खर्चने के अपना 10 बार सोचते हैं, इवन तो बताते भी नहीं है, लेकिन बाहर लोगों के ऊपर तो ऐसे पैसा उड़ा रहे होते हैं, उनको बताते हैं, मतलब उनके ऊपर उड़ाते भी हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, लेकिन अपने घर में अगर देने हो तो फिर उनको बड़ी तकलीफ होती है, भाई रोना शुरू हो जाता है कहाँ से लाऊं ये वो। अच्छा, उसके बाद फिर एक और कि बाहर पटा रहे होते हैं और घर में पूछते नहीं और बाहर उनको पटा रहे होते हैं और ज़्यादा सैलरी बता रहे होते हैं, घर में तो बताते ही नहीं है, और भले नौकरी ना भी और बाहर बोलेंगे कि हमारे पास तो, हम तो इतना करोड़ों कमा रहे हैं, और फिर फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर भी वो चिट चैट कर रहे होते हैं और अपनी उम्र भी मतलब सेट, उनकी कोशिश होती है कोई सेट हो जाए लड़की। मतलब ये एक ना एक है, ये मोस्टली मेंस भी मैंने ये चीज़ देखी है कि उनमें ये चीज़ होती है, उनके पास हर चीज़ मौजूद होती है, उसके बावजूद वो बाहर कोई ना कोई इनको सेट करनी होती है और पड़ोसन भी इनको सेट करनी है, पड़ोसन भी अक्सर लोगों को सेट करनी होती है। अब वो क्या करें, सेट तो उनको करना है, लेकिन अब वो कुछ हो जाती हैं कुछ नहीं होती हैं, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आता कि वो सेट हो कैसे जाती हैं। तो खैर बाबा का भी यही सीन है। और अगर और ना जब वाइफ चली जाती है ना कहीं चली जाती है तो उस पर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, हस्बैंड जो होते हैं ना वो बहुत खुश होते हैं, फाइनली चली गई है जान छोटी, अब तो आज़ादी है सुकून के साथ। लेकिन जब काम की बात आती है ना तो टू बी ऑनेस्टली वाइफ याद आती है, क्योंकि जो वाइफ काम करती है ना घर का, घर वाइफ से ही होता है, और जो घर वो इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा रखती है ना वो मेल नहीं रख सकता, उस लेवल का नहीं रख सकता भले आप जितना भी कर लो। अच्छा, उसके बाद फिर हम एक और जो वाइफ है वो भी सारा दिन सोशल मीडिया पर यूज़ कर रही होती है, मोबाइल ज़्यादातर यूज़ करती है, जो आजकल की मतलब के वक्त के हिसाब से जो चल रही हैं, न्यू जनरेशन के हिसाब से, इस दौर के हिसाब से चल रही हैं, तो उनको ना आदत हो गई है, मतलब वो उनको पता है भाई मोबाइल सोशल मीडिया, और आजकल जो रील्स बना रही हैं फ़नी वीडियोस, और यार आजकल इतना वक्त ऐसा ज़माना चेंज हो गया है, फास्ट हो गया है,
सुपर फास्ट हो गया, जिस तरह से हर कोई सोशल मीडिया पे आ चुका है। पहले लोग शर्माते थे सोशल मीडिया पे आने पे, अब तो पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस बना के अपलोड करते हैं कि फेमस हो जाएं। तो खैर सोशल मीडिया की वजह से ना बहुत सारे घरों में भी दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फीमेल्स थी जो सोशल मीडिया पर आ गई हैं वो अपनी फैमिली को फोकस कम कर रही हैं। मतलब नेगेटिव भी और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते ही हैं, तो कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसके नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको उस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना और किस तरह लेकर जाना है। तो एनीवेज ओवरऑल वीडियो अच्छा था और पाँव वाला मज़े का सीन था कि सर दबाने के चक्रों में, सर दर्द की चक्रों में वो लगवा पाँव दबवा रही हैं, ऐसा ही होता है। तो खैर ओवरऑल अच्छा वीडियो था, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।